के यहाँ घटना हुई तो मैं भी उसके साथ जाके खड़ा हो जाऊँ मैं भी आंदोलन करूँ मैं भी पुलिस से झगड़ू मैं भी एसपी और डीएम से लड़ू कि उसको न्याय मिलना चाहिए साथियों ये भी तरीका होता पर ये कभी बी एस पी का तरीका नहीं था कभी भी बी एस पी के लोग सड़क पर उतर कर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करे साथियों ये आदमी अपने आप मसीहा बताता है ये आदमी कहता है कि मैं सड़क पर उतरूंगा अपने समाज के लिए आंदोलन करता है झगड़ता है लगता है हमारे युवा साथियों को लेकर पहुंच जाता है फिर क्या होता है हमारे युवा साथियों के मुकदमे होते हैं और जैसे मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बताओ वो आदमी फिर यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह जाता है वहाँ पे आंदोलन करता है और इस कार्रवाई में हमारे सभी युवा साथियों पर मुकदमे दर्ज कराता जा रहा है अगर आप एक बार मुकदमा दर्ज हो गया साथियों तो सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगी साथियों कल नगीना में जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद को लेकर आकाश आनंद भड़के तो वो वीडियो समय बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और इसको लेकर अभी तक चंद्रशेखर ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है आकाश के इस बड़े बयान पर जिस तरह से आकाश कह रहे हैं हमारे युवा साथियों को भड़काते हैं इमोशनल करते हैं रोड पर ले जा कर धरने करवाते हैं उनके ऊपर मुकदमे लगवाते हैं इसी को लेकर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है चंद्रशेखर का और नगीना से खासकर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख व भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद भी, भी चुनाव नगीना से लड़ रहे हैं और वहाँ पर बी का भी कैंडिडेट लड़ रहा है तो इसी को लेकर कर बड़ी रैली थी आकाश आनंद की और जिस तरह से आकाश आनंद ने चंद्रशेखर सहित बीजेपी कांग्रेस को उनके बड़े बड़े वादे उनके बड़े बड़े घोटाले को याद दिलाया इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा और वहीं साथियों आपको बताएं आकाश आनंद ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स से इस रैली के बाद तुरंत ट्वीट करके लिखा बहुजन समाज पार्टी के सभी समर्थकों कार्यकर्ताओं और प्रभारियों का आभार आज नगीना लोकसभा में जो इसने साथ और समर्थन आप सभी ने दिखाया वो ही बसपा परिवार की ताकत है बीएसपी के उम्मीदवार श्री सुरेंद्र पाल जी को भारी मतों से चुनाव जिताकर लोकसभा में भेजना है जय भीम जय भारत और वहीं आकाश आनंद अपनी दूसरे ट्वीट में लिखते हैं विकास है बीएसपी विचार है बीएसपी विश्वास है बीएसपी सब साथियों अगले तीस दिनों तक मैं उत्तर प्रदेश के कोने कोने में आदरणीय बहन जी के दिए हुए गवर्नेंस मॉडल को जनता के बीच रखूंगा और ये बताऊंगा कि आज आदरणीय बहन जी गवर्नर्स मॉडल ही हमारे देश को बचा सकता है सिर्फ बहन जी का गवर्नर्स मॉडल ही है जिससे युवाओं को नौकरी महिलाओं को सुरक्षा और बुज़ुर्गों को सम्मान मिल सकता है आदरणीय बहन जी के विकास को बीएसपी के विचार को और आप सभी के बीएसपी मजबूत हो विश्वास को इस बार जीत की ले लो में बदलना ही होगा जय भीम जय भारत ये अगले बयान में लिखा है तो साथियों जिस तरह से कल नगीना लोकसभा में आकाश आनंद ने इतनी धाकड़ रैलियां की और उसके बाद से ट्विटर पे बड़ी से बड़ी ट्वीट किया इसी को लेकर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहन जी से आगे आकाश आनंद उनकी पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जोड़ दीजिएगा चैनल पर एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर वीडियो आपको सही लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा